सो गाइस, विंग्स ने अपना एक ब्रांड न्यू गेमिंग TWS ईयरबड्स मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि काफी अच्छे अच्छे और काफी तगड़े फीचर्स के साथ में आते हैं, और साथ में जो उसकी प्राइसिंग रखी गई है वो काफी ज्यादा सही रखी गई है, जिसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में करने जा रहा हूँ उसकी अनबॉक्सिंग, और आप सभी को बताऊंगा कि ईयरबड्स कैसा है, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी कैसी, इस ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है, गेमिंग मोड कैसे वर्क करता है, क्या फीचर्स आपको गेमिंग मोड के लिए देखने मिलते हैं, साथ में साउंड क्वालिटी कैसी और बैटरी लाइफ कैसी, सब कुछ आप सभी को डिटेल में इस वीडियो में बताना हूं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। So, कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे बॉक्स देखने मिल जाएगा विंग्स फैंटम 550 का, और कुछ डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखे हुए दिखाई देंगे फ्रंट एंड बैक साइड में। और जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मेन ईयरबड्स यहाँ पे देखने मिल जाता है, और इसके बाद में आपको एक टाइप सी वाला चार्जिंग केबल देखने मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ये कप्स देखने मिल जाते हैं अलग अलग साइजेस के, साथ में आपको स्टिकर्स भी देखने मिल जाएंगे इन ईयरबड्स में, और इसके अलावा यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड देखने मिल जाते हैं। सो गाइस, ये है विंग्स फैंटम 550 मेरे हाथों में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे 3D प्रिंट कलर्स देखने मिल जाते हैं, एक है व्हाइट और इसी के साथ में ब्लू जो कि पर्पल जैसा दिखता है, और साथ में आपको पे ब्लैक कलर भी देखने मिल जाता है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको इन तीनों में से कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर बात करूं पर्सनली मेरी, तो मुझे यहाँ पे जो व्हाइट कलर है वो सबसे ज्यादा सही लगा। और अगर बात करूं ईयरबड्स के डिजाइन की, तो फुल्ली आपको पे गेमिंग डिजाइन देखने मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका लुक है वो आपको पे काफी यूनिक देखने मिल जाएगा, और साथ में ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी कूल डिजाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है गेमिंग के मामले में। और साथ में जैसे आप इसके केस को ओपन करेंगे तो जो लाइट्स है वो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है, और लाइट्स भी काफी ज्यादा यहाँ पे कूल लगते हैं। बाकी जो इसके अलावा ईयरबड्स है उनमें भी आपको लाइट्स देखने मिल जाते हैं, इनका भी जो लुक्स है वो काफी गेमिंग वाला आपको पे देखने मिलता है, डिजाइन काफी अच्छा है। और अगर बात करूं कानों में फिटिंग की, तो काफी परफेक्टली एंड काफी टाइटली आप कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं, कोई भी लूजनेस वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा, फिटिंग काफी अच्छी है। इवन अगर आप लेट कर मूवी वगैरह देख रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करें, या फिर अगर आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, तो ये इजिली आपके कानों से नहीं गिरेगा। जो फिटिंग है वो काफी अच्छी और काफी सॉलिड देखने मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और साथ में जो इसमें लाइट्स है वो इसे काफी ज्यादा ऑथेंटिक गेमिंग लुक देते हैं, एंड ओवरऑल जो प्राइस के साथ डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो काफी ज्यादा सही निकल के आती है। इसके अलावा अगर बात करूं कनेक्टिविटी की, तो इस ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है एंड काफी सही आपको वहां पे देखने मिल जाता है इस प्राइस में। साथ में आपको पे फास्ट पेयरिंग का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा, यानी अगर आपने एक बार ईयरबड्स को स्मार्टफोन के साथ में पेयर कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम जैसे आप इसके केस को ओपन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली काफी फास्ट तरीके से आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और जैसे आप इसे बंद करेंगे तो काफी तेजी से डिसकनेक्ट भी हो जाता है। अगर बात करूं कॉल क्वालिटी और माइक टेस्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ईयरबड्स में आपको डुअल माइक देखने मिल जाता है कॉलिंग के लिए, और साथ में ENC देखने मिल जाता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने मिल जाता है कॉलिंग के लिए। और अगर बात उसके माइक टेस्ट की, सो गाइस अभी मैं हूं आउटडोर में, और करंटली जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली इसके माइक के थ्रू हो रहा है, जहां पे आपको ENC देखने मिल जाता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने मिल जाता है। और अभी यहां पे थोड़ी बहुत हवाएं चल रही, तो आप सभी को अंदाजा हो जाएगा कि जब भी आप आउटडोर में कॉल वगैरह लेंगे, तो उसके माइक के थ्रू आपको किस तरह की क्वालिटी देखने मिलेगी। बाकी अगर बात करूं इंडोर की, तो ये रहा इंडोर का सैंपल। और अगर बात करूं इंडोर की, तो करंटली जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली इसके माइक के थ्रू हो रहा है, तो कुछ इस तरह की आप वहां पे एक रूम के एनवायरमेंट में, शांत एनवायरमेंट में, कुछ इस तरीके आप वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी देखने मिल जाएगा। साथ में ENC का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियो क्वालिटी वो आप वहाँ पे अच्छी देखने मिल जाती है, जो नॉइजेस वगैरह है वो कुछ हद तक यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि आउटडोर और साथ में इंडोर दोनों का जो ऑडियो क्वालिटी है इसके माइक के थ्रू वो आप सभी को कैसा लगा। बाकी अगर बात करूं टच कंट्रोल एंड फंक्शंस की, तो काफी सारे फंक्शंस आपको वहाँ पे देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कॉल वगैरह आ रहा है, तो डबल टैप में आप कॉल को पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और अगर आपको कॉल को रिजेक्ट करना है तो आपको ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और जो कॉल है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको वहाँ पे देखने मिल जाता है, अगर आप राइट वाले ईयरबड्स पे सिंगल टच करेंगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, और लेफ्ट वाले पे सिंगल टच करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। कुछ इस तरह के आपको पे वॉल्यूम कंट्रोल भी देखने मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट में इस ईयरबड्स में, जो कि काफी ज्यादा सही लगा। बाकी इसके अलावा आप सॉन्ग्स को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो राइट वाले ईयरबड्स पे आपको ट्रिपल टैप करना होगा नेक्स्ट जाने के लिए, और प्रीवियस आने के लिए आपको वहाँ पे लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे 3 बार टच करना होगा। बाकी अगर आपको गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को कंट्रोल करना है, तो लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, और जो आपको गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और साथ में क्योंकि इस ईयरबड्स में आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, तो उसे ऑन करने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, और जो आपका गेमिंग मोड है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। साथ में अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं, तो अगेन आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है राइट वाले ईयरबड्स पे, और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। बाकी इसके अलावा इस ईयरबड्स में आपको EQ मोड भी देखने मिल जाता है, जहाँ पे वोकल, बेस एंड बैलेंस, ये 3 डिफरेंट मोड देखने मिल जाएंगे। और इन्हें ऑपरेट करने के लिए या फिर इन्हें चेंज करने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 1, 2, 3, 4 बार अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू टच करेंगे, तो जो EQ मोड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा सही है, अगर आपको वोकल्स काफी ज्यादा पसंद है तो वोकल सुनिए, बैलेंस पसंद है तो बैलेंस सुनिए, या फिर बेस पसंद तो बेस वाले मोड में आप यहाँ पे जा सकते हैं टच के थ्रू। बाकी अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि ये गेमिंग ईयरबड्स है, तो इसमें आपको गेमिंग मोड देखने मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने मिल जाएगा विद अप टू 50 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी, जहां पे आपको गेमिंग मोड है वो काफी ज्यादा सही देखने मिल जाता है। और मैंने यहाँ पे इसका गेमिंग टेस्ट भी किया है, और ये रहा इसका वीडियो।
तो जैसे कि आपने देखा नॉर्मल वर्सेस गेमिंग मोड में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको पे देखने मिल जाएगा, और जो गेमिंग मोड है वो काफी ज्यादा सही देखने मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब गेमिंग के साथ साथ में बात कर लेते हैं इसके मेन मुद्दे की, यानी इसके साउंड क्वालिटी की। यार सब कुछ तो काफी सही है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ईयरबड्स में आपको 13mm का ग्राफेन ट्राइवर्स देखने मिल जाता है, जो काफी ज्यादा सही है। और अगर बात करूं साउंड क्वालिटी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करता हूँ इसके लाउडनेस की। तो लाउडनेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा देखने मिलता है, काफी भर भर के आपको लाउडनेस देखने मिल जाएगा। और जब भी मैं इन ईयरबड्स को यूज करता था, मैं यहाँ पे 70-80% के बीच में रहता था, इससे ज्यादा मैं नहीं जाता था, क्योंकि जो लाउडनेस से वो काफी था यहाँ पे लाउड आपको देखने मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करूं ट्रेवल्स वगैरह की, तो ट्रेवल्स काफी सही है। कुछ कुछ मामलों में मुझे यहाँ पे थोड़े से हाई लगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि आपको यहाँ पे EQ मोड देखने मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इसे स्विच करके सुन सकते हैं। अगर आपको बैलेंस प्रोफाइल पसंद है उस पर जा सकते हैं, या फिर बेस पसंद है तो बेस पे भी जा सकते हैं। बाकी अगर बात करूं बाय डिफॉल्ट इस ईयरबड्स में बेस की, तो क्योंकि 13mm का ड्राइवर्स है, तो जो बेस है वो भी आपको काफी अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं, पंची बेस है, आपको यहाँ पे अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने बोला क्योंकि EQ मोड का सपोर्ट है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आप यहाँ पे बेस मोड में स्विच कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी वो आपको काफी अच्छी देखने मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी अगर बात करूं बैटरी लाइफ को लेकर, तो ईयरबड्स में आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने मिल जाती है और काफी बड़ी देखने मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे सिंगल चार्ज करके केस के साथ में फुल्ली इसे यूज करेंगे, तो आपको अप टू 45 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ ईयरबड्स को यूज करेंगे कंटिन्यूसली विद फुल चार्ज, तो आपको 8-10 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगा, जो कि प्राइस के सबसे काफी ज्यादा सही है। और जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको बढ़िया देखने मिल जाता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइसिंग की, और उसके बाद में मेरे कंक्लूजन की। तो अगर बात करूं प्राइसिंग की, तो ये आज लॉन्च हुआ है और आज से 3 डेज तक यानी कल परसों ये अवेलेबल होगा 999 की प्राइस में। और इसके बाद में जो इसकी रेगुलर प्राइस होने वाली वो होगी 1499 रुपीज। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो ये अभी का टाइम काफी ज्यादा सही है इसे बाय करने के लिए। 999 में काफी ज्यादा सही डील हो जाती है, इवन 1499 रुपीज में भी काफी अच्छा पैकेज आपको यहां पे देखने मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करूं कंक्लूजन की, तो आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सारी चीजें तो काफी अच्छी अच्छी मैंने यहाँ पे बता दी, लेकिन क्या इसमें कोई कमियां वगैरह है या फिर नहीं? तो अगर बात करूं प्रैक्टिकली, तो यार मुझे यहाँ पे कोई भी कमी वगैरह फील नहीं हुई। जिस प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुआ और जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है, वहां पे आपको सारी चीजें काफी सही देखने मिल जाती है, चाहे फिर वो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी होगी, कॉलिंग होगी, गेमिंग मोड हो गया, या फिर इसकी साउंड क्वालिटी होगी, सारी चीजें ओवरऑल पैकेज में काफी अच्छी यहाँ पे निकल के आ जाती है। एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस ईयरबड्स को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 या फिर 10 वॉट के चार्जर को यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा के चार्जर को यूज करेंगे तो ये इसे डैमेज कर देगा, जो बैटरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी। तो मेक श्योर अगर आप इसे चार्ज करें तो 5 या फिर 10 वॉट के चार्जर को यूज कीजिए। बाकी ओवरऑल जो यहाँ पे पैकेज निकल के आता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, वो आपको काफी अच्छा देखने मिल जाता है। बाकी अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, उसका डायरेक्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप इस ईयरबड्स को बाय कर पाएंगे। और गाइस इसके साथ में इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप सभी को ईयरबड्स का वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है इन ईयरबड्स को लेकर, तो मेक श्योर नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन सभी का आंसर करूंगा। बाकी कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ईयरबड्स कैसा लगा और साथ में ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और मैं ऐसे बहुत सारे ईयरबड्स का रिव्यू करता रहता हूं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखना है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ में ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।